सो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टर्म टू, जो है क्लास टेंथ का टर्म टू बायोलॉजी का सिलेबस। और सबसे पहले हम आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। टर्म टू में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, जिसको हम लेकर आज अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कॉमनली हम इसे रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, बट एनसीईआरटी में जो हमारी टेंथ है उसमें ये एक अलग नाम से दिया हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की बात आएगी कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, क्या एसेंशियल फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को और टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी आदत है, मैं केवल जहां ज़रूरी होता है वहीं पर टॉपिक से हटकर कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जिससे कि चीज़ें समझने में आसान हो जाए। ठीक है, और जितनी जो है आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो वही अपनी सबसे जो है अच्छी, अगर बोला जाए, अपनी बात है कि हम आसानी से जो है कठिन से कठिन चीजों को समझ पाए। आज का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें आगे भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ही हैं। तो शुरुआत करते हैं जो उस चैप्टर का नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हमारा क्लास टेंथ का टर्म टू का पहला चैप्टर। हो सकता है किसी स्कूल में कोई दूसरा चैप्टर पहले कराया जा रहा हो, लेकिन हम इसी को सबसे पहले लेके चलेंगे, बाकियों को भी कवर करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या पॉइंट है, क्या कॉन्सेप्ट है जो हमें जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक मैं आपसे बात पूछूंगा और ये बात आप लोग बड़े आसानी से मुझे बता सकते हैं। जब कभी एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, तो हम बोलते हैं बीन शेप। और फिर अगर पूछा जाए व्हाट इज द शेप ऑफ बीन, तो बोलते हैं किडनी शेप, है ना। तो यानी दोनों का ही शेप नहीं बताते। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने पड़ोसी से पूछें कि मेरा घर कहाँ है, तो बोले तुम्हारे घर के सामने। बोले तुम्हारा घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने। बोले हम दोनों का घर कहाँ है, तो बोले आमने सामने। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने बीन को डिफाइन करने के लिए किडनी का हेल्प लिया और किडनी का शेप बताने के लिए बीन का हेल्प लिया। वैसे ही एक रिलेशन आता है किसके बीच में, रिप्रोडक्शन और स्पीशीज के बीच में। बच्चों ठीक है, किसके बीच में, रिप्रोडक्शन और स्पीशीज के बीच में। आपने क्लास नाइन्थ में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा और वहां पे आपने स्पीशीज को डिफाइन किया होगा, यहां पर हम उसी की मदद लेंगे। जब हमने नाइन्थ क्लास में स्पीशीज को डिफाइन किया था तो हमने रिप्रोडक्शन की मदद ली थी, और टेंथ क्लास में जब हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम वापस अपने पुराने दोस्त किसकी मदद लेंगे, स्पीशीज की। हमने स्पीशीज को क्या डिफाइन किया था, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग देम, यानी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें आपस में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पाई जाए। और रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि वन और मोर देन वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर सेम स्पीशीज। याद रखना, कहीं कहीं सेम काइंड, कहीं सेम टाइप लिखा रहता है, लेकिन हम जानेंगे सेम स्पीशीज। तो डिफाइन करेंगे सबसे पहले अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस
अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर सेम स्पीशीज। यहां पर इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार कुछ जगहों पर सेम काइंड लिखा होता है, कुछ जगहों पर सेम टाइप लिखा होता है, लेकिन काइंड और टाइप कुछ नहीं होता। बायोलॉजी की टर्म में सेम स्पीशीज होता है, ठीक है। तो जब एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल अपने ही स्पीशीज के नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच ही पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो दुनिया में कोई भी स्पीशीज किसी भी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रही होती और उससे बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। इससे इसी से रिलेटेड एक बात आई कि रिप्रोडक्शन ऑकर ओनली बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन ऑकर ओनली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब क्या बोला? अगर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल होंगे तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसी से एक पॉइंट और निकल के आता है। क्या पॉइंट निकल के आता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन अ स्पीशीज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्यों डिफरेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ, लिखेंगे इसको, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वन स्पीशीज इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है आइसोलेटेड from other, and this phenomena is known as, याद रखना बच्चों, reproductive isolation। इसी phenomena को क्या कहा जाता है? reproductive isolation। तो सोचो, reproduction को define करने के लिए दो तीन point हमने किसको respect में लेकर बता दिया? species को लेकर। तो reproduction और species, they are very much related with each other। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और क्या रिलेशन है, कितनी रिलेटेड है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं कि सर, हमने तो बोल दिया कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन सर काइंडली इस बात पे ध्यान दिया जाए सर कि हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो अलग अलग स्पीशीज के बीच होने वाली मेटिंग से प्रोड्यूस हुए हैं। याद रखना, तो हम एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर ऐसे भी इंडिविजुअल हमारे आसपास मौजूद हैं जो अलग अलग स्पीशीज की मेटिंग से बने हैं। एग्जांपल, सबसे पहले म्यूल, सबने सुना होगा, जिन्हें हम कॉमनली खच्चर के नाम से जानते हैं। सबने सुना होगा म्यूल, जो हॉर्स से थोड़ा छोटा, डोंकी से थोड़ा बड़ा होता है म्यूल। एंड म्यूल इज फाउंड टू बी अ क्रॉस, इट इज फाउंड टू बी अ क्रॉस ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो ये क्रॉस होता है। अब डोंकी और हॉर्स, दे आर बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज, एंड वी फाइंड अ क्रॉस ऑफ दीज टू, हमें इन दोनों का एक क्रॉस मिलता है, यानी अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन तो यहां पॉसिबल हुआ है भाई, और रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ है तभी म्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे और भी एग्जाम्पल मिलते हैं हमें, हमें जस्ट इसका एक अपोजिट केस भी मिलता है जिसे हम हिनी बोलते हैं। हिनी, इट इज क्रॉस ऑफ
मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। ऐसे ही हमें एक लाइगर भी मिलता है, लाइगर, इट इज अ क्रॉस ऑफ मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। और ऐसे ही एक क्रॉस हमें मिलता है टाइगॉन, विच विल बी अ क्रॉस ऑफ मेल टाइगर एंड फीमेल लायन। तो म्यूल हो गया, हिनी हो गया, लाइगर हो गया, टाइगॉन हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज के बीच होने वाले रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए। तो क्या कहेंगे इन्हें? क्या ये स्पीशीज नहीं है? भाई एक जिंदा ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास घूम रहा है, क्या वो स्पीशीज नहीं है? तो भाई वो स्पीशीज नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म बने हैं ये दो अलग अलग स्पीशीज के क्रॉस से बने हैं, एंड दे आर जेनेटिकली स्टेराइल, इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो नेचर में कई बार ऐसा पाया भी गया है कि दो अलग अलग स्पीशीज के बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ है और उनके रिप्रोडक्शन से एक नया ऑफस्प्रिंग बना है, और वो नया ऑफस्प्रिंग कहलाता है हाइब्रिड। इस नए ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। एंड दे आर जेनेटिकली स्टेराइल, दे आर नॉट टर्म्ड एज स्पीशीज। एक म्यूल रिप्रोडक्शन से नया म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके अंदर जेनेटिकली रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती, और उसके भी रीजन है क्यों नहीं पाई जाती। तो याद रखना कि कई बार एक्सेप्शन ऐसा पाया गया है कि अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच मेटिंग हुई है, और मेटिंग से जो क्रॉस बना है उन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है, उन्हें स्पीशीज नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर एक बात आती है कि रिप्रोडक्शन जो है, एक अगर हम बात करें हमारे बॉडी में होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है, और अभी हमने टर्म वन में एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने अपनी बॉडी की जो नॉर्मली रन करने वाली एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हमने डिस्कस किया था, उसमें रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं रखा गया था? ये भी एक अगर हम बोलें तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं रखा गया? उसको नहीं रखने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि लाइफ प्रोसेस में हमने उन प्रोसेसेस को पढ़ा था जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, यानी वो प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए नेसेसरी है, उन्हें हम पढ़ते हैं किसमें? लाइफ प्रोसेस में। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी इंडिविजुअल फॉर इट्स सर्वाइवल। किसी भी इंडिविजुअल में सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है उसकी रेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी आने वाली नस्ल को मेंटेन, उसकी नस्ल को मेंटेन करने के लिए, उसके आने वाले वंश को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं। सो दैट इज वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लाइफ प्रोसेस। पहली बात तो लिखेंगे, रिप्रोडक्शन is not considered as a life process because, pehla point, it is not necessary for survival of any organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी नहीं है। तो क्यों नेसेसरी है? इट इज रिक्वायर टू मेंटेन द रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की नस्ल मेंटेन रहे, उसके वंशज, उसका वंश चलता रहे, जिसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। दूसरा, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ये आइदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या बहुत कम अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
और इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली रन कर सकते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन एक हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट इज अ हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और इसीलिए रिप्रोडक्शन को एज ए लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसमें। सो इट इज अ हाईली हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे नॉर्मली रेगुलर वे में परफॉर्म करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जनरली किसी को भी अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, तो वो लाइफ में एक या दो बार ही परफॉर्म करते हैं, और वो भी तब परफॉर्म करते हैं जब बॉडी एनर्जेटिकली सबसे एक्टिव मोड में हो। सो इट इज अ हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड वन कैन नॉट अफोर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म रेगुलर बेसिस में कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता और इसीलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। फिर बात आती है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो बेसिकली बच्चों दो टाइप का होता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने कई बार पढ़ा है रिप्रोडक्शन हमें दो टाइप का मिलता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड टू बी डिफरेंट देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों तो हम डिफाइन कैसे करते हैं अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व। ये इसकी डिफिनेशन है, अ प्रोसेस इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कॉमन डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। लेकिन केवल इतने पर ही ये प्रोसेस लिमिट नहीं हो जाता, और भी बहुत सी बातें हैं जो इसमें छुपी हुई हैं, और उन्हीं बातों को एक एक करके हम निकालेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, डबल पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या बात आ जाती है, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपने अगर पढ़ा होगा 9th क्लास में सेल डिवीजन टॉपिक, वहां पे दो डिवीजन की बात आई होगी, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो इसमें जब भी डिवीजन होता है वो केवल और केवल माइटोसिस होता है, ओनली माइटोसिस, केवल माइटोसिस होता है। इनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ना ही इनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है ना ही फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और जब मियोसिस नहीं होता यानी गैमीट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है,
सुना है इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस होता है तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है, उसकी वजह से वेरिएशन आता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसकी वजह से भी वेरिएशन आता है, तो ये दोनों लीड करते हैं वेरिएशन को, और यहाँ दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो यहाँ मदर सेल और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता, नो जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स। जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलता, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलता तो ध्यान से सुनना, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर फाउंड टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग्स आर फाउंड टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग जो मिलते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल मिलते हैं, यानी उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हूबहू सेम टू सेम होता है, और इसीलिए इन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्लोन्स भी कह सकते हैं, दे कैन ऑफन टर्म्ड एज क्लोन्स, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्लोन्स कह सकते हैं भाई। तो जो क्लोनिंग का प्रोसेस है हम बोल सकते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बहुत एडवांस वर्जन है, बहुत एडवांस वर्जन है, उनमें भी जेनेटिकली सिमिलरिटी पाई जाती है, जेनेटिकली डिफरेंस नहीं मिलता, और यहां पर भी जेनेटिक डिफरेंस नहीं मिलता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जो यहां नहीं हुआ है वो सब होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे अ प्रोसेस इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, अ प्रोसेस इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। देखो मुझे मालूम रहता है टेंथ में जो बच्चे होते हैं थोड़े से ऐसा होता है उन्हें लिखने की थोड़ी आदत होती है, तो इसलिए मैं पहले से कुछ भी लिखा हुआ लेकर आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर पॉइंट्स को लिखते चले मेरे साथ, और ये फील करें कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, कॉपी पेन ले लो, एकदम सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जैसे जैसे मैं बताते चलूंगा वैसे वैसे आप इसको नोट करते चलेंगे, हाँ बीच बीच में आप पॉज कर लेना, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, पहली बात हो गई, इसमें भी हमें सिंगल पेरेंट या डबल पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट से भी काम चल सकता है, अगर पेरेंट बाइसेक्सुअल है यानी उसी की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो सिंगल पेरेंट से भी बात बन सकती है, तो सिंगल और डबल पेरेंट, ठीक है। यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है बोला जाए तो डिवीजन यहां पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना हो, लेकिन मियोसिस जो है वो बिना मियोसिस के ये पॉसिबल होता ही नहीं, तो बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस केवल होता है नंबर को बढ़ाने के लिए, मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो यानी अगला पॉइंट आ गया क्या, गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन में ही होगा क्या, मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन के बाद बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद हमें मिलेगा फर्टिलाइजेशन, ये गैमेट्स का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और भाई गैमेट जब बनता है ना तो उसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम बदल चुका है, वो पहले जैसा क्रोमोसोम नहीं, उसे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहा जाता है, तो अब वेरिएशन तो पाया जाना निश्चित है, कंफर्म है, और जब फ्यूजन होगा दो अलग सेट वाले क्रोमोसोम, अलग सेट वाले क्रोमोसोम होल्ड किए हुए गैमेट से मिलेगा,
तो पूरा ही चेंज मिलेगा, और इसीलिए चेंजेस जो मिलेंगे तो हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन इज ऑब्वियस, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स जो है जेनेटिकली सिमिलर नहीं मिलेंगे, और हम इन्हें क्लोन्स भी नहीं कह सकते। हाँ, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आया, और वेरिएशन का आना इवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट करता है। सो फॉर्म अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को बड़ा सपोर्ट करता है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है बच्चों, लिख लेना किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिशन। सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिशन। क्या होता है बाइनरी फिशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मदर सेल सिंपली डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में चेंज हो जाती है। अ प्रोसेस इन विच वन मदर सेल divides into two daughter cells. ये most primitive type का division है, सबसे पुराना, सबसे पहले यही start हुआ था। Most primitive type of reproduction किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लानेरिया। याद रखना, यहां पे जो एग्जांपल मैंने दिए हैं उसमें प्लानेरिया अकेला ऐसा है जो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, केवल मल्टी सेलुलर नहीं, प्लेटी हेलमिंथीस को बिलोंग करता है, वॉर्म वाले फाइलम को बिलोंग करता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर प्लेटी हेलमिंथीस, बाकी जो एग्जांपल है वो यूनिसेलुलर। तो कभी पूछे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है तो प्लानेरिया। अब प्लानेरिया में होगा क्या? एक मदर सेल है, ये डिवाइड करती है, किसमें डिवाइड करती है भाई? दो डॉटर सेल्स, और दोनों डॉटर सेल्स जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है। बाइनरी फिजन जो है ये फेवरेबल कंडीशन में ही परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसेस है, इट इज परफॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशंस। कब परफॉर्म किया जाएगा भाई? फेवरेबल कंडीशन, किसको? बाइनरी। जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाए तो
कहानी बदल जाती है, तो अगला प्रोसेस आ जाता है कौन सा, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन एक ऐसा प्रोसेस जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन जिसमें एक मदर सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है। दो से ज्यादा मतलब तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, सौ भी हो सकता है, हजार भी हो सकता है, 10,000 उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो लिखेंगे वन मदर सेल डिवाइड्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। और ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, सो दैट दे कैन रैपिडली इंक्रीज देयर नंबर। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, सो दैट दे कैन रैपिडली इंक्रीज देयर नंबर, तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज कर सके। और खास बात ये है, इस प्रोसेस को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहा जाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए इन पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को सिस्ट कहा जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दैट लेयर इज नोन एज एनसिस्टमेंट। फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर इज नोन एज एनसिस्टमेंट, सो इट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। मैंने बोला लिख लेना, अ प्रोसेस इन विच वन मदर सेल डिवाइड्स रैपिडली इन मोर देन टू डॉटर सेल्स, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा नंबर इंक्रीज कर सके, उसके लिए हो रहा है ये मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जो एक हमारी बॉडी में पाया जाने वाला मतलब एंडोपैरासाइट है, हमें अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। ह्यूमंस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम, एक बड़ा फेमस एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है, हमारी बॉडी में ये कॉज करता है मलेरिया, जो कॉमन मलेरिया है, ठीक है। ये जो सिस्ट की लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इनको आउटर एटमॉस्फेयर से अनफेवरेबल कंडीशन से आइसोलेट करके रखती है। और कब तक आइसोलेट करके रख सकती है, इट कैन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेनिज्म अप टू सेवरल हंड्रेड इयर्स, कई सौ सालों तक ये प्रोटेक्ट करके रख सकती है, ये सिस्ट लेयर में प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बेसिक टाइप और भी हैं, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जो जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को।